हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मेलिडेस रिंगटोन में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे नितिन के टॉप 10 मूवीज के बारे में। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी को बता दूं कि सभी मूवीज का लिंक हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं हम आज की वीडियो को। नंबर 10 पर है सबसे बढ़कर हम थ्री, जो कि एक रोमांटिक ड्रामा मूवी है। इस मूवी को डायरेक्ट किया है ए करुणाकरण जी ने। इस मूवी के स्टार कास्ट के बारे में बात करें तो इस मूवी में नितिन और मिस्टी लीड रोल में नजर आएंगे। इस मूवी की रेटिंग के बारे में बात करें तो आईएमडीबी की तरफ से 5.3 की रेटिंग मिली है और गूगल यूजर्स की तरफ से 89% लाइक्स मिले हैं। इस मूवी के बजट के बारे में बात करें तो वो थी 16 करोड़ रुपीस और इस मूवी की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन जो थी वो थी 26 करोड़ रुपीस। इसको यूट्यूब पर अब तक 42 लाख से भी ज्यादा बार देखा जा चुका है और ये गोल्ड माइंस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल है। दोस्तों, नंबर 9 पर है जो कि एक एक्शन रोमांटिक मूवी है। इस मूवी को डायरेक्ट किया है पुरी जगन्नाथ जी ने। इस मूवी के स्टार कास्ट के बारे में बात करें तो वो है अदा शर्मा एंड नितिन। इस मूवी की रेटिंग के बारे में बात करें तो वो है आईएमडीबी की तरफ से 5.4 की रेटिंग मिली है और गूगल यूजर्स की तरफ से 89% लाइक्स मिले हैं। दोस्तों, इस मूवी के बजट के बारे में बात करें तो वो थी 13.5 करोड़ रुपीज और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन थी इसकी 40 करोड़ रुपीज। इस मूवी को अब तक YouTube पर 6.9 करोड़ से भी ज्यादा बार देखा जा चुका है और ये मूवी भी गोल्ड माइंस के ऑफिशियल YouTube चैनल पर अवेलेबल है। लाई, जो कि एक एक्शन थ्रिलर मूवी है, इस मूवी को डायरेक्ट किया है हनु राघव पुरी जी ने। इस मूवी के स्टार कास्ट के बारे में बात करें तो वो है मेघा आकाश और नितिन रेड्डी। इस मूवी की रेटिंग के बारे में बात करें तो वो है आईएमडीबी की तरफ से 5.9 की रेटिंग मिली है और गूगल यूजर्स की तरफ से 79% लाइक्स मिले हैं। इस मूवी की बजट के बारे में बात करें तो वो है 25 करोड़ रुपए और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन थी इस मूवी की 28 करोड़ रुपए। इस मूवी को अब तक यूट्यूब पर 16 करोड़ से भी ज्यादा बार देखा जा चुका है और ये आरकेडी स्टूडियो के यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल है। तो दोस्तों, पर है R2, जो कि एक रोमांटिक कॉमेडी मूवी है। इस मूवी को डायरेक्ट किया है कृष्ण चैतन्य जी ने। इस मूवी के स्टार कास्ट के बारे में बात करें तो मेघा आकाश और नितिन रेड्डी इस मूवी में लीड रोल में नजर आएंगे। दोस्तों, इस मूवी की रेटिंग के बारे में बात करें तो IMDb की तरफ से 5.9 की रेटिंग मिली है और गूगल यूजर्स की तरफ से 91% लाइक्स मिले हैं। इस मूवी का बजट था 17.6 करोड़ रुपीस और इस मूवी की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन थी 40 करोड़ रुपीस। इसको अब तक यूट्यूब पर 23 करोड़ से भी ज्यादा बार देखा जा चुका है और ये आदित्य मूवीज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल है। नंबर 6 पर है श्रीनिवास कल्याणम, जो कि एक रोमांटिक ड्रामा मूवी है। इस मूवी को डायरेक्ट किया है सतीश वेगसन जी ने। दोस्तों, इस मूवी के स्टार कास्ट के बारे में बात करें तो इस मूवी में राशि खन्ना और नितिन लीड रोल में नजर आएंगे। इस मूवी को आईएमडीबी की तरफ से 6.1/10 की रेटिंग मिली है और गूगल यूजर्स की तरफ से 84% लाइक्स मिले हैं। इस मूवी के बजट के बारे में बात करें तो वो थी 25.5 करोड़ रुपीज और इस मूवी की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात करें तो वो थी 45 करोड़ रुपीस। इस मूवी को अब तक यूट्यूब पर 18 करोड़ से भी ज्यादा बार देखा जा चुका है और ये मूवी भी आपको आदित्य मूवीज की ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगा। दोस्तों, में नंबर 5 पर है भीष्मा, जो कि एक रोमांटिक कॉमेडी मूवी है। इस मूवी को डायरेक्ट किया है वेंकी कुडुमुला जी ने। इस मूवी की स्टार कास्ट के बारे में बात करें तो नितिन और रश्मिका मंदाना लीड रोल में नजर आएंगे। इस मूवी की रेटिंग के बारे में बात करें तो आईएमडीबी की तरफ से 6.6/10 की रेटिंग मिली है
और गूगल यूजर्स की तरफ से 77% लाइक्स मिले हैं। इस मूवी के बजट के बारे में बात करें तो वो है 9.5 करोड़ रुपीस और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है इसकी 40 करोड़ रुपीस। दोस्तों ये YouTube पर अनऑफिशियली अवेलेबल है जिसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, लेकिन हो सकता है जब आप देख रहे हो तब तक उस लिंक को हटा दिया गया हो, तो आप सिंपली इस मूवी को नेम से सर्च करिए, आपको रिजल्ट जरूर मिल जाएगा। दोस्तों में नंबर 4 पे है रंग दे, जो कि एक रोमांटिक कॉमेडी मूवी है। इस मूवी को डायरेक्ट किया है वेंकी अतलूरी जी ने। इस मूवी के स्टार कास्ट के बारे में बात करें तो नितिन और कीर्ति सुरेश लीड रोल में नजर आएंगे। इस मूवी की रेटिंग की बात करें तो आईएमडीबी की तरफ से 6.6 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली है और गूगल यूजर्स की तरफ से 94% लाइक्स मिले हैं। दोस्तों बात करें इस मूवी के बजट की तो वो थी 30 करोड़ रुपीस और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात करें तो वो थी 27.6 करोड़ रुपीस विद इन 8 डेज, जो कि काफी अच्छा रिस्पॉन्स था। दोस्तों ये मूवी YouTube पर अनऑफिशियली अवेलेबल है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। दोस्तों की बात करें तो नंबर 3 पर है आ, जो कि एक ड्रामा कॉमेडी मूवी है। इस मूवी को डायरेक्ट किया है त्रिविक्रम श्रीनिवास जी ने। इस मूवी के स्टार कास्ट के बारे में बात करें तो समांथा और नितिन रेड्डी लीड रोल में नजर आएंगे और इसको आईएमडीबी की तरफ से 6.8 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली है और गूगल यूजर्स की तरफ से 85% लाइक्स मिले हैं। इस मूवी की बजट के बारे में बात करें तो वो थी 35 करोड़ रुपीस और इस मूवी की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन वर्ल्ड वाइड देखी जाए तो वो थी 75.4 करोड़ रुपीस। इस मूवी को YouTube पर अभी तक 35 करोड़ से भी ज्यादा बार देखा जा चुका है और ये आपको आदित्य मूवीज के ऑफिशियल YouTube चैनल पर मिल जाएगा। लिस्ट में नंबर 2 पर है हार्ट अटैक 2, जो कि एक रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा मूवी है। इस मूवी को डायरेक्ट किया है विजय कुमार कोंडा जी ने। इस मूवी के स्टार कास्ट के बारे में बात करें तो वो है ईशा तलवार, नित्या मेनन और नितिन, जो कि लीड रोल में हैं। इस मूवी की आईएमडीबी रेटिंग है 7.2 आउट ऑफ 10 और गूगल यूजर्स की तरफ से इसे 84% लाइक्स मिले हैं। दोस्तों बात करें इस मूवी के बजट की तो वो थी 8.2 करोड़ रुपीस और इस मूवी की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन थी 25.9 करोड़ रुपीस। इस मूवी को अब तक YouTube पर 6.4 करोड़ बार से भी ज्यादा देखा जा चुका है और ये आपको गोल्ड माइंस टेलीफिल्म्स के ऑफिशियल YouTube चैनल पर मिल जाएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो आज के वीडियो के लिस्ट में नंबर 1 पर है भाई गिल, जो कि एक रोमांटिक ड्रामा मूवी है। इस मूवी को डायरेक्ट किया है विक्रम कुमार जी ने। इस मूवी के स्टार कास्ट के बारे में बात करें तो नितिन और नित्या मेनन लीड रोल में नजर आएंगे और इस मूवी को आईएमडीबी की तरफ से 7.4 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली है और गूगल यूजर्स की तरफ से 68% लाइक्स मिले हैं। दोस्तों बात करें इस मूवी के बजट की तो वो थी 7.8 करोड़ रुपीस और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है इसकी 15 करोड़ रुपीस। दोस्तों वैसे तो ये मूवी YouTube पर अवेलेबल नहीं है, मगर ये आपको MX Player और वूट पर फ्री में देखने को मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। ये थी हमारी आज की वीडियो, आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें। हमारे वीडियोस के अपडेट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कर लें। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।